नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है करंट अफेयर जी के फॉरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। आज 4 मई 2018, आज जो है कोल माइंस डे के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट सेशन। 10 क्वेश्चन रहेंगे आज ही के न्यूज डिस्कशन से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें इसको, जिससे कि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने विजिटर्स पुरस्कार 2018 प्रस्तुत किए? आपके ऑप्शन ए रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। मैंने आपको ऑब्जेक्ट जो न्यूज डिस्कशन बताया था उसमें इस न्यूज को डिटेल से डिस्कशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना के तहत निवेश की सीमा 7.5 लाख से बढ़ाकर खालिस्तान हो गई है। आपके ऑप्शन ही रहे 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 22 लाख। इसका राइट आंसर है 15 लाख। 15 लाख की सीमा बढ़ाई गई है 15 लाख तक, प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। किस कृषि योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे यानी 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने को स्वीकृति दी गई? आपके ऑप्शन ये रहे हरित क्रांति कृषोन्नति योजना, कन्या जागृति योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, किसान कल्याण योजना। इसका राइट आंसर है हरित क्रांति कृषोन्नति योजना। मैंने आपको न्यूज डिस्कशन में डिटेल से समझाया था। यदि आप न्यूज डिस्कशन सुनते हैं और ऑब्जेक्टिव सेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स बहुत ही मजबूत रहेगा। आप किसी भी प्रकार के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दूसरों को बता सकते हैं और आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। और इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें इस चीज़ को, जिससे कि सभी को जानकारी मिल सके, इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित रेलवे स्टेशनों में से किसने भारतीय रेलवे को सबसे खूबसूरत स्टेशन की श्रेणी में पहला पुरस्कार प्राप्त किया है? आपके ऑप्शन ये रहे चंद्रपुर रेलवे स्टेशन, मनमाड़ रेलवे स्टेशन, बल्लार शाह रेलवे स्टेशन, कल्याण रेलवे स्टेशन। इसके ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, थर्ड और फोर्थ, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट और थर्ड, चंद्रपुर रेलवे स्टेशन और बल्लार शाह रेलवे स्टेशन को सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विंबलडन चैंपियनशिप में पुरस्कार राशि में कितनी राशि की वृद्धि की गई है? आपके ऑप्शन ही रहे 50,000 पाउंड, 25,000 पाउंड, 10,000 पाउंड, 30,000 पाउंड। तो इसका राइट आंसर है 50,000 पाउंड की राशि की वृद्धि की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उड़ीसा विधानसभा में 1 मई 2018 को उड़ीसा सरकारी भाषा संशोधित बिल 2018 वॉचनेक वोट के जरिए पारित हो गया। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची है? आपके ऑप्शन ये रहे दूसरी, तीसरी, छठी, आठवीं। इसका राइट आंसर है आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में भारत की ये भाषाओं का वर्णन है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उल्लेखनीय उपन्यासकार पुष्पनाथ का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस भाषा से जुड़े थे? आपके ऑप्शन ये रहे मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तमिल। इसका राइट आंसर है मलयालम। मलयालम भाषा के उपन्यासकार पुष्पनाथ का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेन्नई आधारित ट्रांसजेंडर का नाम बताएं जिन्होंने 2018 मिस कोबागम ब्यूटी पीजेंट टाइटल जीता। आपके ऑप्शन ये रहे मुबीना, कलिक सुब्रमण्यम, पद्मिनी प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है मुबीना। मुबीना ने जो है 2018 मिस कोबागाम ब्यूटी पीजेंट टाइटल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने PIB के नए DG महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। आपके ऑप्शन ही रहे सितांशु रंजन कार, वैभव झा, नीलम कपूर, नवीन पटनायक। का राइट आंसर है सितांशु रंजन कार। मैंने आपको न्यूज डिस्कशन में डिटेल से समझाया था। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इसका फुल फॉर्म होता है PIB का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन ये रहे महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। का राइट आंसर है राजस्थान।
राजस्थान में विजय प्रहार नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन होते हैं समाप्त। आज के न्यू डिस्कशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका स्कोर क्या रहा, कितने क्वेश्चन बने, और कमेंट ज़रूर करें कि कैसा वीडियो लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा तो वैसा बताएं, क्योंकि मैं और अच्छा करने का प्रयास कर सकता हूं। यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो इसमें कोई सुधार हो नहीं सकता। यदि आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कि यहाँ पे आपकी कमी है, तो मैं अपना ज़रूर सुधार उसमें करूँगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको और भी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।